गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 8 साइंस से रिलेटेड है। आपका चैप्टर है कंब्यूशंस एंड फ्लेम्स। आज हम लोग पिछले एक लंबे ऑनलाइन क्लासेस से इसके साथ सफर कर रहे हैं, क्योंकि यह चैप्टर जो है थोड़ा सा बहुत एक्सपेंडेड फॉर्म में और टॉपिक से है डियर स्टूडेंट्स द हिस्ट्री ऑफ द मैजिस्टिक। आपको यह पता है कि स्वीट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, इट इज कैप्ट इन द इमर्ज इन द वाटर्स। श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबोकर क्यों रखते हैं? तो श्वेत फास्फोरस का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वह लगभग कमरे के टेम्परेचर के बराबर होता है, एट द रूम टेम्परेचर। अगर कमरा आपका डार्कनेस है और डार्कनेस कमरे में अगर श्वेत फास्फोरस को निकाला जाए तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से संजो करके शीघ्र ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा और पूरे कमरे को प्रकाशमय कर देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, लेकिन जो मैच स्टिक होता है उसके टॉप पर जो एक प्रकार का केमिकल लगा हुआ होता है वह लाल फास्फोरस या रेड फास्फोरस से इंक्लूडेड होता है। उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है कमरे के टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा होता है। एक दो बार फ्रिक्शन करने के बाद वह मैच स्टिक जल उठता है, अपने इग्निशन पॉइंट तक पहुंच जाता है। तो चलिए हम अब चलते हैं आपके सिलेबस में कि द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक क्या है, इसके बारे में कुछ हम लोग चर्चा करें। ए शॉर्ट थिन पीस ऑफ द वुड्स हैविंग द केमिकल कोटेड एट वन एंड इच इज द यूज टू द लाइट एट फायर बाय द रबिंग अगेंस्ट द रफ सरफेस इज कॉल्ड द मैच स्टिक। एक छोटा थिन पीस ऑफ द वुड, लकड़ी का पतला टुकड़ा, हैविंग द केमिकल कोटेड, उसके ऊपर केमिकल कोटेड होता है। आप देखे होंगे मैच स्टिक पर जो एंडिंग जो पॉइंट्स है वन एंडिंग पॉइंट्स पर एक केमिकल का कोटेड होता है और वह केमिकल कोटेड एट वन एंड एक छोर पर केमिकल का कोटेड होता है which is used to light to fire, जिसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, टू लाइट ए फायर, प्रकाश, चिंगारी, स्पार्किंग, जिससे हम लोग फायर को प्रोड्यूस करते हैं। रबिंग अगेंस्ट द रफ सरफेस, अगर उस स्टिक को रफ सरफेस पर अगर रगड़ते हैं तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा काम करेगा और वह फ्रिक्शन से जो हीट प्रोड्यूस हुआ वह मैच स्टिक को उसके इग्निशन पॉइंट तक पहुंचा देता है। नतीजा यह होता है कि मैच स्टिक जल उठता है। इट्स कॉल्ड मैच, द हिस्ट्री ऑफ द मैच स्टिक इज द वेरी ओल्ड, मैच स्टिक की कहानी बहुत ही पुरानी है। मैच स्टिक की कहानी बहुत ही पुरानी है, अबाउट 5000 ईयर्स एगो, 5000 वर्ष पहले स्मॉल थिंग्स पीस ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन द सल्फर एट वन एंड, पीस ऑफ पाइन वुड
डिप्ड इन द सल्फर एट वन एंड, उसका एक किनारा सल्फर में डुबाया गया। पाइन एक वृक्ष होता है, यूकेलिप्टस पाइन वगैरह, उसका वुड का एक किनारा, थिन पीस ऑफ द पाइन वुड, पाइन वुड का एक किनारा सल्फर में डाला गया। वेयर यूज्ड एज द मैच स्टिक इन द एनशियंट इजिप्ट, द मॉडर्न सेफ्टी मैच वाज द डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 years ago। ये आपके पुराने समय की बात है, प्राचीन काल की बात है कि इस प्रकार के जो मैच स्टिक बनते थे, लेकिन उसको मॉडिफाइड करके आज के डेट में जो मैच स्टिक बना है, द मॉडर्न सेफ्टी, यह सुरक्षित है। द मॉडर्न सेफ्टी मैच स्टिक वाज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 years ago, मात्र 200 वर्ष पहले से जो हमारा स्टिक, जो मैच स्टिक बना हुआ है या बन रहा है, वह बिल्कुल सुरक्षित है। अर्लियर ए मिक्सचर ऑफ द एंटीमनी ट्राइसल्फेट पोटेशियम क्लोराइड एंड द व्हाइट फास्फोरस विद द सम सम ग्लू एंड द स्टार्च वर द अप्लाई टू द हीट ऑफ ए हेड ऑफ द मैच स्टिक मेड ऑफ द सुटेबल वुड। आज के डेट में जो मैच स्टिक बनता है सुटेबल लकड़ी से, उसमें क्या क्या होता है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड्स पोटेशियम क्लोराइड क्लोरेट व्हाइट पोटेशियम विद द सम ग्लू एंड द स्टार्च वाज द अप्लाई टू द हेड ऑफ ए मैच स्टिक मेड ऑफ द सुटेबल व्हेन द हेड ऑफ दिस मैच स्टिक वाज द रब्ड अगेंस्ट रफ सरफेस। जब हम लोग उस स्टिक के हेड को रफ सरफेस से रब्ड करते हैं तो रब्ड सरफेस व्हाइट फास्फोरस गोट इग्नेटेड ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्रिक्शन। तो जो उसमें व्हाइट फास्फोरस मिला हुआ रहता है वह घर्षण के कारण अपने इग्निशन पॉइंट को प्राप्त कर लेता है। दिस स्टार्टेड ऑफ द कंब्यूशन ऑफ द मैच स्टिक व्हाइट फास्फोरस इन द पॉइजनस व्हाइट फास्फोरस इज ए पॉइजनस सो द यूज ऑफ द व्हाइट फास्फोरस इन द मेकिंग मैच स्टिक प्रूव टू बी द डेंजरस फॉर द वर्कर्स इंगेज इन द मेकिंग मैच स्टिक एज वेल एज फॉर दिस द यूजर्स। लेकिन इस प्रकार के जो केमिकल से जो स्टिक बनाए जाते हैं वह जो कारीगर के लिए भी, जो लोग मैच स्टिक फैक्ट्री में काम करते हैं उनके लिए भी, यूजर के लिए भी क्या है, हार्मफुल है, डेंजरस हो सकता है। दिस डे द हेड ऑफ द मैच स्टिक सेफ्टी मैच कॉन्टेन ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फेट एंड द पोटेशियम क्लोराइड द रफ रबिंग सरफेस एट द साइड ऑफ द मैच बॉक्स हैज ए कॉन्टेनिंग हैज द कॉन्टेनिंग The rough surface on the side of the matchbox has the coating of the powdered
glasses and the little and the phosphorus, red phosphorus in much less dangerous than the white phosphorus. Dear students, मैंने पहले ही बताया था कि white phosphorus बहुत ही खतरनाक होता है, dangerous होता है. Open climate में oxygen से संजो करके oxidize हो जाता है और स्पार्किंग प्रकाश ज्वाला उत्पन्न करता है. तो जो पहले जो मैच स्टिक बनाया गया था उसमें व्हाइट फास्फोरस जो कि यूजर के लिए भी, फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति के लिए भी, कारीगर के लिए भी वह सफिशियंट नहीं था. इसलिए आज के डेट में जो हमारा मैच स्टिक बन रहा है उसके साथ साथ जो केमिकल सब्सटेंस इंक्लूड किए जाते हैं उसमें रेड फास्फोरस डाला जाता है. मैंने पहले ही बताया था उसमें रेड फास्फोरस डाला जाता है जो कि हर दृष्टिकोण से सुरक्षित है. रेड फास्फोरस इज द मच लेस डेंजरस. रेड फास्फोरस कम खतरनाक होता है व्हेन द मैच स्टिक इज द रब्ड अगेंस्ट द रफ सरफेस ऑफ द मैच बॉक्स. जब स्टिक को मैच बॉक्स के सरफेस पर हम रगड़ते हैं सम रेड फास्फोरस इज कन्वर्टेड इंटू द व्हाइट फास्फोरस. जब उसको रगड़ते हैं तो उसमें से कुछ रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है. द व्हाइट फास्फोरस इमीडिएटली रिच विद द पोटेशियम क्लोराइड इन द मैच स्टिक हैड टू द प्रोड्यूस सफिशियंट हीट टू इग्निट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड्स एंड द मेट मैच स्टिक हैड बर्न. We will now describe how the control unwanted fires. Dear students, आज के डेट में जो हमारा मैच स्टिक है बहुत ही सेफ्टी है. व्हाइट फास्फोरस को उसमें ऐसा केमिकल सब्सटेंस को इंक्लूड कर देते हैं कि थोड़ा सा उसे जब रगड़ा जाता है तो रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है और दो बार रगड़ने के बाद वह अपने इग्निशन पॉइंट तक पहुंच जाता है. जितने भी केमिकल सब्सटेंस है और सलाई का स्टिक जल उठता है और तब इसका हम यूटिलाइज करते हैं अपने माल स्टोव को जलाने में, गैस चूल्हा को जलाने में, एलपीजी को जलाने में, कागज के पीस को जो कुछ भी जलाना है, या स्पार्किंग के रूप में, ज्वाला के रूप में एक लेस क्वांटिटी में ज्वाला जनरेट करता है. तो आज के डेट में जो हमारा मैच स्टिक है, आज के जो डेट में हमारा जो मैच स्टिक है वह बिल्कुल सेपरेट है. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ऑनलाइन क्लासेस में द हिस्ट्री ऑफ द मैच स्टिक रहा. अब हम लोग अगले ऑनलाइन क्लासेस में, कल के ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे हाउ टू बी द कंट्रोल फायर. हम लोग फायर को कंट्रोल कैसे करेंगे और इस प्रकार से जब हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तब आपको होमवर्क के रूप में हम देंगे. और आज तो केवल एक प्रकार का इंट्रोडक्शन रहा और कोई खास लिटरेचर, कोई खास समरी लिखना नहीं पड़ा. और चूंकि इग्निशन पॉइंट के संदर्भ में पहले ही बता दिए हैं, कम्बस्टेबल सब्सटेंस पहले ही बता दिए हैं, नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस पहले ही बता दिए हैं आपको. स्वीट फास्फोरस का इग्निशन पॉइंट क्या होता है, रेड फास्फोरस का इग्निशन पॉइंट क्या होता है, ये सब पहले मैं बता चुका हूँ. डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.